हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जन स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं जुबुलेंट फूड वार के बारे में। कंपनी लाइफ टाइम हाई लगाया था 800 रुपये, 820, और 2010 में 23 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था। तो क्या है सर को खरीदना चाहिए? 2519% की अच्छे रिटर्न कंपनी दिया है। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं दोस्तों अवॉइड करेंगे। बाय ज्यादा कंपनी में हो रहा है जो कि अच्छा बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ईयर वाइज डाटा, तो रेवेन्यू ग्रोथ, नेटवर्क ग्रोथ और प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है। तो हम लोग इस शेयर में मिनिमम अमाउंट डालकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। एक अच्छा रिटर्न कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। प्रमोटर 41%, म्यूचुअल फंड 24%, फॉरन इन्वेस्टर 20%, रिटेल इन्वेस्टर 7.5-8%, डोमेस्टिक वाले 5% यहाँ पर माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल देखोगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। PE नेगेटिव है, PE थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि PE 100 से ज्यादा है। बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो। डिविडेंड देता है, आरओसी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 2 का है। कर्जा 4,197 करोड़ का है। रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम डेटा फ्रीकेश रखा है, अर्निंग पर सब पॉजिटिव, नेटो पॉजिटिव। 6 महीने में अच्छे रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ बढ़ाए, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाए, नेट प्रॉफिट बढ़ाए। तो ये सर में मिनिमम अमाउंट डालकर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, एक शानदार रिटर्न कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।